दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। क्या आपने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सही से जानकारी नहीं है, या आप इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आपने टीवी पर एड तो बहुत बार देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स सही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आपने सबसे खराब स्कीम में निवेश कर दिया है, तो भी 99% चांसेस हैं कि आप कम से कम 7-8 साल तक उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको FD से तो ज्यादा ही रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें काफी सारी कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। उनमें से अगर एक कंपनी लॉस में चली भी गई तो बाकी कंपनियों के प्रॉफिट से वो लॉस कवर हो जाता है और एक्सपर्ट फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। आपको अपनी कमाई का 10-20% पैसा म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिनमें आप कम से कम 100 रुपए महीने की SIP शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट लंबे समय में एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए महीने की SIP कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एंजल वन में एक अकाउंट ओपन कर लेना है। इस एक अकाउंट से आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स, IPO सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। इसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको अपने फोन में एंजल वन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन करके इसमें लॉगिन करेंगे। जब आप एंजल वन ऐप में लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप म्यूचुअल फंड्स में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट में दिखाएगा और यहाँ उसकी करंट वैल्यू दिखाएगा। इसके नीचे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज दी गई हैं। आप कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं या आप सर्च आइकन पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड्स का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए महीने की SIP करके दिखाने वाला हूं। चलिए हम SIP with 100 rupees पर क्लिक कर लेते हैं। यहां आपको काफी सारे फंड्स मिल जाएंगे जिनमें आप 100 रुपए महीने की SIP शुरू कर सकते हैं। आप यहां क्लिक करके पिछले 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं, किस फंड ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने ICICI प्रोडेंशियल वैल्यू डिस्कवर फंड डायरेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ सबसे ऊपर फंड का नाम शो होता है और यहाँ इसकी रेटिंग दी गई है। इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है जो कि काफी अच्छी है। इसके बाद यहाँ रिटर्न दिया है, इस फंड ने पिछले 3 साल में 25.90% का रिटर्न दिया है। आप यहां क्लिक करके पिछले 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न्स देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर दिया है इस फंड का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फंड का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है पिछले 1 दिन में इस फंड से कितना रिटर्न मिला है, जो कि है -0.93%। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड का करंट NAV प्राइस, जो कि है 299.97 रुपए। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछले कई वीडियो में मैंने NAV के बारे में विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस फंड को 10 साल हो चुके हैं, ये जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड में कम से कम 100 रुपए महीने की SIP शुरू की जा सकती है और वन टाइम में कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर दे रखा है, यहाँ से आप SIP कैलकुलेटर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से वन टाइम कैलकुलेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फंड में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इस SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आप 1 साल, 3 साल या 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप यहां से इसे आगे पीछे करके अमाउंट सेलेक्ट
कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 500 रुपए सेलेक्ट किया है। इसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 5 साल के लिए 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। 5 साल में 500 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे, इस पर आपका टोटल प्रॉफिट 31,556 रुपए का हो सकता है और मैच्योरिटी पर आपको 61,556 रुपए मिलेंगे। अगर आप 500 रुपए महीने की SIP 10 साल के लिए करते हैं तो 60,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे, जिस पर 223,222 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और मैच्योरिटी होने पर 283,222 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से आप 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल या 30 साल तक का प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 1 साल या 2 साल या 3 साल या इससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप 1 टाइम कैलकुलेटर का यूज करके जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस फंड की टोटल मैनेजिंग एसेट 27,767 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो 1.22% का है। यहाँ पर एग्जिट लोट के बारे में बताया है, अगर आप इसे 12 महीने के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% की दर से एग्जिट लोट देना होगा। इसके बाद टैक्स के बारे में बताया गया है, अगर आप इसे 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोट प्लस 15% टैक्स देना होगा प्रॉफिट पर। अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए से अधिक के प्रॉफिट पर 10% टैक्स देना होगा। इसके बाद यहाँ दिया है इसका रिस्क लेवल, जो कि वेरी हाई रिस्क है, यानी कि इसमें रिस्क ज्यादा है। इसके बाद इस फंड की रेटिंग दी है, जो कि है 5-स्टार रेटिंग। इसके बाद फंड मैनेजर का नाम दिया है, संकरण नरेन, जो कि इस फंड को फरवरी 2011 से मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद आपको फंड होल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। इस फंड का एसेट जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है, यहाँ उन कंपनियों का नाम और परसेंटेज दिया गया है, कहाँ कहाँ कितने परसेंट इन्वेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर इस फंड को दूसरे सेम कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है, पिछले 3 साल में किस फंड से कितना रिटर्न मिला है। यहाँ फंड का नाम दिया है और यहाँ पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है। इसके बाद यहाँ सेम फंड के अदर प्लान्स दिए गए हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है तो आप यहीं से इन फंड्स पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। इस फंड में निवेश करने के लिए नीचे इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, SIP और 1 टाइम। अगर आप एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप 1 टाइम पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 टाइम में आप कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से SIP चूज करेंगे। अब यहाँ रुपए डालेंगे, इसमें आप कम से कम 100 रुपए से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। हम 100 रुपए महीने की SIP करेंगे, हमने यहाँ 100 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से आप SIP की पेमेंट डेट सेट कर सकते हैं, यानी कि आप महीने की कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप SIP की फर्स्ट पेमेंट अभी पे करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। इसके बाद पेमेंट मेथड चूज करेंगे, हमने पहले से एक SIP कर रखी है इसलिए यहाँ गूगल पे सेलेक्ट है। हम पेमेंट मेथड को यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ नेट बैंकिंग, UPI या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे से ही पेमेंट करेंगे, गूगल पे को सेलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ गूगल पिन डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको इस तरह से पेमेंट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ से वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपने एंजल वन में ऐड कर रखा है। अकाउंट सेलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप ऑटोमेटिक एंजल वन ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ आपको कुछ देर वेट करना होगा और ध्यान रहे जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक बैक बटन या ऐप को क्लोज नहीं करना है। ये देखिए ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, यूनिट एलोकेशन 27 फरवरी तक हो सकता है। नीचे आपको ऑर्डर स्टेटस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा, क्योंकि हमने ऑटो पे का सेटअप ऑलरेडी कर रखा है, ये आपको केवल एक ही बार करना होता है। इसके बाद आप जितनी बार भी SIP करेंगे आपको ऑटो पे सेटअप नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो पे सेटअप कैसे करते हैं। आपको सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है, अब ऑटो पे को ऑथराइज करना है, नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। ऑटो पे की मैंडेट लिमिट 1,00,000 रुपए है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ मैंडेट और कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी। आपको यहाँ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग को चूज करना है, जैसे कि हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद इस चेकबॉक्स में टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप बैंक के लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, यहाँ मैंडेट डिटेल आ जाएगी। इस चेकबॉक्स में टिक करके अप्रूव करेंगे, इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो पे सेटअप एक्टिवेट होने में 7 दिन का समय लग सकता है। एक बार जब आप ऑटो पे सेटअप कर देंगे, इसके
उसके बाद आपकी SIP इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आने पर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। इसके बाद आप ऑर्डर्स में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये ऑर्डर प्रोग्रेस में है, 3 से 4 दिन में अप्रूव्ड हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो SIP की फुल डिटेल शो हो जाएगी। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आप यहीं पर आकर इसे चेक कर सकेंगे। आप इसमें जितनी भी SIP करोगे उन्हें आप SIP में चेक कर सकते हैं। हमने 2 SIP किए हैं, ये 100 रुपए महीने का SIP जो कि हमने अभी किया है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट SIP पेमेंट डेट भी देखने को मिल जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट शो होता है और यहाँ करंट वैल्यू अमाउंट शो होता है और यहाँ पर रिटर्न शो होता है। आप यहां क्लिक करके पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हो और आपने जितनी भी SIP कर रखे होंगे वो यहां पर शो होते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।